ब्रेकिंग न्यूज फॉर डॉज कॉइन। दोस्तों डॉज कॉइन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। इस खबर के बाद डॉज कॉइन के प्राइस में कितनी ग्रोथ होती है, डॉज कॉइन का प्राइस $1 के ऊपर जाएगा, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि वो न्यूज़ है क्या। दोस्तों आप इलॉन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आओगे तो इलॉन मस्क हमेशा डॉज कॉइन को लेकर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं। उनके एक डॉज कॉइन के ट्वीट के बाद डॉज कॉइन का प्राइस एकदम से बूम होता है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है डॉज कॉइन के प्राइस में। लेकिन कभी भी इलॉन मस्क ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या डॉज कॉइन को सपोर्ट करते हैं या कोई भी उनसे डॉज कॉइन का कॉन्टैक्ट है। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। उसके पहले इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था डॉज कॉइन को लेकर, जो लास्ट ट्वीट था उसमें था वर्किंग विद डॉज। उसके पहले एक उनका ट्वीट था उसमें उन्होंने यही पूछा था पोल में कि टेस्ला ने डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, एक ट्वीट था जिसमें पूछा था। उसके बाद अभी तक कोई सा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस एकदम से बूम हो सकता है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी एक न्यूज़ निकल कर दोस्तों सामने आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो न्यूज़ आ रही है यहाँ पर मैट के पास है। मैट एक यूट्यूबर है, मैट डॉज कॉइन को लेकर एक यूट्यूबर है जो कि नंबर 1 यूट्यूबर है। जितनी भी डॉज कॉइन से रिलेटेड न्यूज़ रहती है वो मैट के पास पहले आती है, क्योंकि कहा जाता है कि मैट का जो डॉज कॉइन की इंटरनल टीम है या डेवलपमेंट टीम है उनसे कुछ कॉन्टैक्ट है मैट का। तो जितनी भी डॉज कॉइन से रिलेटेड ट्वीट रहते हैं वो मैट लगातार करते रहते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पर मैट के ट्वीट बताता हूँ जो उन्होंने आज किए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम उनका ट्वीट देखते हैं जो डॉज कॉइन के रिलेटेड मैट ने किया है। उन्होंने यहाँ पर किया है 13 घंटे पहले, डॉज कॉइन इज़ द फ्यूचर। उसके बाद एक और ट्वीट किया है उन्होंने 10 घंटे पहले, उसमें है बिग अनाउंसमेंट फॉर डॉज कॉइन ऑन फाइनल स्टैंड टू नाइट फ्रॉम डॉज कॉइन डेव्स। मतलब डॉज कॉइन को लेकर आज कोई सा भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके बाद एक और ट्वीट किया है जो कि 9 घंटे पहले यहाँ पर मैट ने किया है, डॉज आर्मी इज़ द बिग ट्वीट वी हैव बीन वेटिंग फॉर यूज अनाउंसमेंट, डॉज कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर नाउ कमिंग। इन्होंने यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, कोई सा भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आज बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है डॉज कॉइन का लेकर। उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस कितना जाएगा, कौन सा अनाउंसमेंट रहेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कोई सा भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर पहले ट्वीट में लिया था कि टू नाइट, उसके बाद इन्होंने जब यूट्यूब पर यह वीडियो डाला था तो वीडियो में भी इन्होंने यही डाला था कि टू नाइट, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर कमिंग सून कर दिया है, यहाँ पर कमिंग कर दिया है। हो सकता है पहले इनके पास न्यूज़ आई हो कि आज ही अनाउंसमेंट होने वाला है या अब कुछ देर बाद हो सकता है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। दोस्तों इस अनाउंसमेंट के बाद डॉज कॉइन का प्राइस कितना हो सकता है, $100, $1, $2, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। अगर अभी हम यहाँ पर डॉज कॉइन के प्राइस की बात करें तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर डॉज कॉइन का प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है ₹34, यहाँ पर ₹35 के आसपास चल रहा है। अभी डाउन गया है 1.8%। जब भी यहाँ पर डॉज कॉइन का प्राइस नीचे जाता है दोस्तों तो कुछ न कुछ ऐसा एक न्यूज़ निकल कर आती है या कुछ ट्वीट होता है जिसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस अच्छा खासा बूम होता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है। अब यहाँ पर डॉज कॉइन का चार्ट देखोगे तो काफ़ी नीचे गया है यहाँ पर डॉज कॉइन। तो अभी कुछ भी हो सकता है, डॉज कॉइन का प्राइस अच्छा खासा बूम हो सकता है, ये न्यूज़ आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है डॉज कॉइन में एंट्री करने का। आपने अगर डॉज कॉइन बाय करके रखा है, पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो बहुत सही है, आप होल्ड करके रखिए, डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन अभी जिन्होंने एंट्री नहीं ली है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि डॉज कॉइन का प्राइस अभी यहाँ पर ₹34 है, मतलब ₹35 के आसपास है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस है एंट्री करने के लिए, तो आप एंट्री करके रख सकते हो। कभी भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, बड़ी न्यूज़ आ सकती है, उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस एकदम से बूम होता है दोस्तों। इस बार डॉज कॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर ₹100 तक टच कर दे, $1, $2 कुछ भी यहाँ पर टच कर सकता है, वो न्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर न्यूज़ आ गई है कि टेस्ला एक्सेप्ट करता है यहाँ पर डॉज कॉइन को, या पर इलॉन मस्क कुछ भी ट्वीट करते हैं, मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर टेस्ला ने ट्वीट किया था कि वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, तो जब बिटकॉइन का प्राइस था ₹30 लाख, उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी अच्छा उछाल आया था और ₹43 लाख तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो हो सकता है यहाँ पर डॉज कॉइन का प्राइस भी एकदम से बूम कर जाए, $1, $2 या उससे भी प्लस में जा सकता है, वो बिल्कुल न्यूज़ पर डिपेंड कर सकता है। तो अच्छा टाइम है यहाँ पर डॉज कॉइन में आप इन्वेस्ट करने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, डॉज कॉइन बाय करने का सोच रहे हैं, तो आप डॉज कॉइन बाय कर सकते हैं।